मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरी पिछली वीडियो सुपर मैश और सुपर नोड पे थी और उसके बाद ये नेक्स्ट वीडियो है वीडीआर और सीडीआर, मतलब वोल्टेज डिवीजन रूल और करंट डिवीजन रूल के बीच। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है क्योंकि वोल्टेज डिवीजन रूल और करंट डिवीजन रूल ये हम यूजुअली देखते रहेंगे और बहुत जल्दी जल्दी देखेंगे क्वेश्चन में कि ये कहाँ का यूज़ होता रहता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि क्या होता है VDR और CDR। देखो, सबसे पहले VDR जो मैंने लिखा है ये वोल्टेज डिवीजन रूल के लिए, कि जब कभी कभी देखो ऐसा होगा, मतलब बहुत जगह पे ऐसा होगा क्वेश्चंस में कि आपको दो तीन एलिमेंट्स होंगे, मतलब या तो रेजिस्टेंस हो सकता है, कोई भी इम्पीडेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, कुछ भी हो सकता है, तो उनके बीच में वो करंट डिस्ट्रीब्यूट सा होता दिखेगा। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ दिख रहा है ना, ये एनालॉग में भी दिखेगा। जब हम डिफरेंट फिल्टर्स वगैरह का एनालिसिस करते हैं तो इसी तरह का कुछ फिगर सा रहता है। यहाँ पे आउटपुट इस एलिमेंट के अक्रॉस ले लेते हैं और ओवरऑल इनपुट जो हम दे रहे हैं वो सर्किट के इस इनपुट एंड पे दे रहे हैं, इसमें दो एलिमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो आउटपुट के लिए जो हम इक्वेशन लिखते हैं वहाँ भी वोल्टेज डिविजन रूल लगाते हैं क्योंकि इस ये एलिमेंट ये दोनों सीरीज में है, R1 और R2। तो R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हम वोल्टेज डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे, या मैं कह सकता हूँ कि जो वी आउट है या वी आउटपुट वोल्टेज है ये कुछ पार्ट ऑफ वी इन होता है, मतलब वी इन से तो कम ही होगा, कुछ पार्ट ऑफ वी इन होगा। वो कुछ पार्ट क्या है वही हम वोल्टेज डिवीजन रूल से निकालते हैं। तो जैसा कि मैं बोला हूँ कि ये सीरीज कनेक्शंस के लिए वैलिड है, मतलब जब आपके दो या तीन एलिमेंट सीरीज में कनेक्टेड है तो एक के अक्रॉस आप करंट डिवीजन निकाल सॉरी एक के अक्रॉस आप वोल्टेज डिवीजन लगाकर वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने क्या किया, मैंने जो वी आउट लिखा है ना, ये देखो आर टू के दोनों टर्मिनल से एक्सटेंडेड है, तो ये मैं कह सकता हूँ कि जो वी आउट वोल्टेज है वो आर टू के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप के बराबर ही है, या कह सकते हैं कि ये आर टू का ही वोल्टेज है। बट यहाँ पे R1 और R2 दो सीरीज में कैसे हैं कि आपको दिख रहा होगा कि ये जो करंट आई यहाँ से चला और यहाँ जा रहा है, ठीक है, और यहाँ से वापस भी आ रहा होगा। तो एक्चुअल सर्किट जो है वो ये है कि वी इन वोल्टेज है, ये इनपुट वोल्टेज सोर्स और ये R1 एंड R2, यही एक्चुअल सर्किट है। बट यहाँ जो हम वी आउट ले रहे हैं ये एक ओपन टर्मिनल वोल्टेज है जो कि R2 के क्रॉस का कैलकुलेट कर रहे हैं हम, या ये सिंपली वोल्ट मीटर से कैलकुलेट किया जाता है। तो जब वोल्ट मीटर से हम इसे इवेल्यूएट करने जाएंगे तो उस समय ये जो टर्मिनल एक्सटेंडेड है ना ये ओपन सर्किट को ही दिखाएंगे, इसमें कोई करंट नहीं होगा। ये मैं आगे भी बताया हूँ कि अवॉइड कन्फ्यूजन में इसे मैंने डाला है कि इस ब्रांच में कोई करंट नहीं होगा, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं होगा। ये करंट जो आई है इधर से आ रहा है और इधर से आता हुआ वापस यहाँ से निकल के चला जाएगा, वापस यहाँ से निकल के चला जाएगा आई। और यहाँ जो मैं ओपन दिख रहा है ये ओपन नहीं है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन के बीच में वी लिखना ये एक वोल्टेज सोर्स का रिप्रेजेंटेशन है। इसे मैं सिंपली ऐसा भी लिख सकता हूँ और करके मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि इसी वी इन को मैं एक वोल्टेज सोर्स बना दूँ। बट इसको मैं ऐसा वोल्टेज सोर्स की तरह नहीं लिख सकता क्योंकि ये वोल्ट मीटर से लिया गया आउटपुट है जो कि ओपन टर्मिनल्स के बीच का आउटपुट है। हाँ, तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ मतलब ये क्लियर कर दिया है कि क्या ये आई कैसे इधर नहीं आ रहा है, इधर क्यों नहीं जा रहा। तो इधर नहीं जाएगा क्योंकि ये ओपन सर्किट है, तो इधर कोई करंट नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं चलता हूँ, मैंने लिखा है सिंस या बिकॉज द रेजिस्टेंस हैव द सेम करंट्स आई फ्लोइंग थ्रू देम सो दे आर सेट टू बी इन सीरीज, ठीक है। अब सीरीज में बोले जा रहे हैं दोनों ही रेजिस्टेंस, तो बस सिंपली इतना ही कॉन्सेप्ट बताना था यहाँ कैसे कि आई इधर से होता हुआ जा रहा है वोल्टेज सोर्स के थ्रू, तो इस सीरीज में कनेक्टेड है R1 और R2। तो इसके बाद सिंपली मैं VDR को लगाने का स्टाइल देखिएगा केयरफुली, इसे ये देखिएगा कि जैसे मैं यहाँ जो आउटपुट वोल्टेज है पहले ही बोला कि R2 के अक्रॉस ड्रॉप वोल्टेज है, तो जो R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप फाइंड कर रहा हूँ V out को, तो मैं लिख सकता हूँ कि V out इज इक्वल टू R2 डिवाइड बाई सम ऑफ बोथ द रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 इनटू दैट इनपुट वोल्टेज। तो मैं आपसे बोला था कि जो आउटपुट वोल्टेज है ये इनपुट वोल्टेज का कुछ पार्ट है, तो कितना पार्ट है,
ये फैक्टर आपको बताएगा कितना पार्ट है, आर टू डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो वी आउट है वो आर टू के क्रॉस ड्रॉप है और इतना पार्ट है, इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ जाएगी और वी एन से मल्टीप्लाइड होगा। तो जैसे मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल क्या है, यहाँ मैंने तीन रेजिस्टेंस को ले लिया है। तो इनपुट पे तो देखो इनपुट वोल्टेज, फिर से मैं बताऊँगा ये इनपुट वोल्टेज, ये प्लस और माइनस टर्मिनल्स के बीच में मैंने वी एन लिख दिया है और यहाँ ये एरो मार्क कर दिए ऊपर नीचे, तो कुछ नहीं है, ये सिंपली एक वोल्टेज सोर्स है, जैसा कि मैंने ऊपर दिखाया, ये दिखाया आपको वैसा ही वोल्टेज सोर्स है। बट हाँ, अगेन ये आपका आउटपुट जो लिया जा रहा है आर थ्री के अक्रॉस लिया जा रहा है और ये वोल्ट मीटर से लिया जा रहा है, जिसका मैं डिस्कशन करूँगा बाद में। तो इसमें इस बारे टर्मिनल में कोई भी करंट नहीं जाएगा। तो ये जो आई करंट है, ये आई आर वन से होता हुआ आर टू से होता हुआ आर थ्री को जाएगा और फिर से ये इस इनपुट वोल्टेज में वापस चलाएगा। देखो तो यहाँ मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, नहीं तो मैं इस वायर को मैं एक्सटेंड भी कर सकता था, और वजह से ऊपर मैंने ग्राउंड मेंशन नहीं किया, मैंने ग्राउंड मेंशन किया, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, इसमें ग्राउंड भी मेंशन कर सकता हूँ या मैं इस वायर को भी एक्सटेंड करके नेगेटिव टर्मिनल तक ला सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ भी इसका मतलब ग्राउंड ही है, जो कि नेगेटिव टर्मिनल तक वायर एक्सटेंड हुआ है, और यहाँ भी सेम मतलब है। तो ये ग्राउंड न लिख कर मैं इसे सिंपल एक वायर लिख सकता था जो कि नेगेटिव साइन तक जाता, ठीक है। तो यहाँ भी जो आउटपुट वोल्टेज है, जैसे मैं आर थ्री के अक्रॉस ड्रॉप बोल रहा हूँ, तो फिर से मैं बोल दूंगा कि ये जो आउटपुट वोल्टेज है ये सम पार्ट ऑफ इनपुट वोल्टेज ही है। वो सम पार्ट कितना, ये आर थ्री डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। मतलब तो जिस भी एलिमेंट के अक्रॉस मुझे वी डी आर लगाना, तो उस एलिमेंट की वैल्यू, उस एलिमेंट की वैल्यू डिवाइड बाई सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स। तो ये यहाँ पर मैं एलिमेंट्स का मतलब है सिंपली रेजिस्टेंस से कर रहा हूँ, या अगर मैंने इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस लिया होता तो मैं उनके अक्रॉस कितना इम्पीडेंस होता है, या उनका रेजिस्टेंस सॉरी इम्पीडेंस कितना होता है इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का, उसको यूज़ करता। बट यहाँ मैं सिंपली रेजिस्टेंस लिया हूँ, तो आर थ्री डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो मैं कह सकता हूँ हमेशा आउटपुट वोल्टेज जो वी डी आर में लिया जाता है वो वी इन से छोटा ही होता है, क्योंकि ये डिवीजर रूल है ना, तो कुछ पार्ट डिवाइड हो गया वी इन का, वही आपका वी आउट बन गया। तो वी आउट बोल सकता हूँ या कुछ भी बोल सकता हूँ, इसे मैं सिंपल वी वन और वी टू बोल सकता हूँ। ये एक फेमस स्टाइल है कि सर्किट अगर इस तरह से दिया रहेगा तो ये इनपुट साइड होती है, इसमें इनपुट अप्लाई हो रहा है और इधर से आउटपुट ले लिया जाता है, तो मैं इसे वी इन वी आउट लिख दिया हूँ। और एनालॉग में भी यूजली ऐसा ही लिखा रहता है, ई डी सी में भी सर्किट्स मिलते हैं ऐसा लिखा रहेगा, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इस सिंपल सिस्टम का स्टाइल है कि एक साइड आउटपुट एक साइड इनपुट, बट इसे मैं सिंपली वी वन और वी टू भी बोल सकता था। तो अवॉइड द फॉलोइंग कन्फ्यूजन, इसको मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, इस कन्फ्यूजन को अवॉइड करना है। यहाँ पे जिस तरह से ये वी इन है, इसे ओपन नहीं समझ लेना है, ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स के बीच में एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, जैसा कि मैंने बताया भी था, ये एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है और यहाँ इसे वोल्टेज सोर्स नहीं समझ लेना है, ये एमीटर सॉरी ये वोल्टमीटर कनेक्टेड है। तो ये जो टर्मिनल है ये ओपन है वास्तव में, बट ये ओपन नहीं है, तो यहाँ कोई करंट नहीं जाएगा, यहाँ करंट नहीं जाएगा, जीरो करंट होगा। इसे मैं क्वेश्चन मार्क ये ले सकता हूँ, जीरो एम्पियर, जीरो करंट जाएगा इधर। तो ये देखो मैंने इक्विवेलेंट फिगर लगा के लिखा भी है कि ये जो है इसका मतलब वोल्टेज सोर्स है और आगे वी आउट ये ओपन सर्किट है। इसे मैं लिख सकता हूँ इन ब्रैकेट सॉरी नॉट इन ब्रैकेट ओपन, ठीक है, इसे मैं ओपन लिख सकता हूँ ओपन। तो इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल ये है कि आपका जैसे मैंने 15 वोल्ट का एक ऊपर लिया, नीचे ग्राउंड कर दिया है। इस फिगर में सिंपली जो 15 वोल्ट ऊपर लेके नीचे ग्राउंड लिया, इसे मैं उसी फिगर की तरह, इस प्रीवियस फिगर की तरह ही मान सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं चाहता तो इस 3 ओम को इधर से मतलब ऊपर रिप्रेजेंट करके, साइड बाई रिप्रेजेंट करके इस 15 वोल्ट को ग्राउंड और पॉजिटिव टर्मिनल्स के बीच में लिख सकता था, लेकिन मैंने उसी फिगर को ऐसे लिख दिया है कि 15 वोल्ट ऊपर ग्राउंड नीचे और 3 ओम के मतलब तीन रेजिस्टेंसेस ले लिए। अब मैंने यहाँ जो पूछा है वो वी वन और वी टू के वोल्टेज का डिफरेंस पूछा है। तो भाई ये देखो केयरफुली आपको देखना पड़ेगा कि वी वन क्या होता है। अब वी वन के लिए मेरे पास दो रेजिस्टेंसेस हैं,
जब मैं वी वन को एनालाइज करूंगा, वी वन को फाइंड करूंगा, जैसे मैं वी आउट को फाइंड करता ऐसे, जब मैं वी वन को फाइंड करूंगा तो वी टू को नहीं देखना मुझे, और जब वी टू को फाइंड करूंगा तो मुझे वी वन से कोई मतलब नहीं है। तो मैं फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ वी डी आर जैसे मैंने यहाँ लिखा है, तो ये वी टू जब मैं इवेल्यूएट कर रहा हूँ तो मुझे इस 3 ओम से मतलब रेजिस्टेंस से मतलब है, तो उसके साथ मुझे इस 3 ओम रेजिस्टेंस से मतलब है इस वाले से। तो अगर मैं अब वी टू फाइंड करूँगा तो वी टू इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 3 प्लस 3, क्योंकि ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड हुए। देख सकते हो आपको यहाँ से जो करंट आया, यहाँ से जो करंट आया वो करंट यहाँ होता हुआ और यहाँ निकल जाएगा। इस फिगर को जैसा कि मैं बता रहा हूँ कोई कन्फ्यूजन ना हो इसलिए इसे ऐसा भी लिखा जा सकता था, सॉरी मैं ब्लैक पेन यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसमें 3 ओम को यहाँ भी लिख सकता था 3 ओम और ये 3 ओम और ये 3 ओम। अब आप देख लीजिए, या तो मैं इसे ग्राउंड बोल देता हूँ या फिर मैं सिंपली इस वायर को एक्सटेंड करके इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में 15 वोल्ट बोल देता हूँ। तो ये भी 3 ओम है और ये भी 3 ओम है, बट मैंने जो वी टू बोला है जैसे मैं या तो इस पॉइंट का वोल्टेज बोल दूँ या इस ग्राउंड वायर को एक्सटेंड करके इन दोनों के बीच की वोल्टेज को भी वी टू बोल सकता हूँ, सिंपली वी टू इसके बीच के वोल्टेज को बोल सकता हूँ। तो यहाँ जो मैं वी टू फाइंड किया हूँ, आप जो ऊपर ये फिगर जो मैंने दिया है इस फिगर से कंपेयर करिए, इस फिगर से आप कंपेयर करिए, सिंपली आर वन आर टू आर थ्री आपको 333 है और वी आउट जहाँ जो लिया है और यहाँ जो वी इन लिया है उसकी जगह तो 15 हो गया, तो वी आउट की जगह ही वी टू हुआ है। तो वी टू मैंने जो कैलकुलेट किया है वो आपका क्या आ जाएगा, देखो 3/9, ये जो मैं लिखा 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 3 प्लस 3, 3 डिवाइड बाई 9 इंटू 15, तो ये आ जाएगा 5 वोल्ट। सिमिलरली जब मैं सॉरी वी वन को मैं जब फाइंड करूँगा तो वो मैं अपने इसी फिगर को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दूँगा, अगर मैं कहता हूँ फॉर वी वन कैलकुलेशन, अगर मैं लिखता हूँ फॉर वी वन, तो फॉर जब वी वन मैंने लिखा तो उस केस में मैं इसे ऐसा ही लिखूँगा कि इसे तो 3 ओम लिख दिया मैंने, इसे तो 3 ओम लिख दिया, बट यहाँ जो देखो 1 3 ओम और ये दूसरा 3 ओम, तो यहाँ जो 3 ओम लिखा है ये 3 ओम और ये 3 ओम, ठीक। तो ये जो वी वन है ये आपका या तो इस टर्मिनल के बीच का बोल सकते हो या ये इस वाले टर्मिनल्स दोनों टर्मिनल्स के बीच के वोल्टेज को बोल सकते हो, इन दोनों के बीच के वोल्टेज को बोल सकते हैं। 15 तो यहाँ अवेलेबल है, 15 तो यहाँ अवेलेबल। तो इस केस में जब मैं वी वन को इवेल्यूएट करूँगा तो इन दोनों के बीच का वोल्टेज होगा वो, तो इस केस के लिए भाई ये दोनों सीरीज में आ गए, इन्हें ऐड कर लोगे तो मैं कह सकता हूँ कि ये 3 प्लस 3 6 वोल्टेज के अक्रॉस का ड्रॉप है। ये उस वाले फिगर से कंपेयर कर सकते हो जो 2 रेजिस्टेंस वाला फिगर था, ये 2 रेजिस्टेंस वाले फिगर से कंपेयर कर सकते हो। ये देखो स्टार्टिंग में 2 रेजिस्टेंस वाला फिगर ले रहा ना, ये आर वन की जगह 3 ओम हो जाएगा, आर वन की जगह 3 ओम हो जाएगा और आर टू की जगह आपका 6 ओम हो जाएगा। तो यहाँ जो वी डी आर लगेगा वो देख सकते हो आप वी टू में, वी वन कैलकुलेशन में 3 प्लस 3 यानी 6 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 15 10 वोल्ट हो जाएगा, तो वी वन और वी टू के बीच का डिफरेंस आ जाएगा 5 वोल्ट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका वी डी आर विद एन एग्जाम्पल। तो अब मैं सेकंड ले रहा हूँ सी डी आर मतलब करंट डिवीजन रूल। ठीक है, तो करंट डिवीजन रूल आप देख सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन बारे में अगर बोलूँ तो जब 2 रेजिस्टेंस या 2 एलिमेंट पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो उनके बीच करंट के डिस्ट्रीब्यूशन को हम करंट डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे यहाँ पर एक करंट सोर्स है, ठीक है, ये करंट सोर्स है, तो इसका जो करंट ड्रॉप है आर वन और आर टू के अक्रॉस डिफाइंड करूँगा, जैसे आई वन और आई टू मैंने मेंशन किया है, तो ये पहली बात है ये दोनों ही पैरेलल में होने चाहिए और ये पैरेलल में है यहाँ, जैसे मैंने ये नीचे लिख भी दिया, इसे आप पढ़ लेना, ये नीचे लिखा है मैंने, सिंस दे आर वन आर टू कनेक्टेड बिटवीन द सेम नोड्स ए बी एंड ए बी, तो इन्हें मैं पैरेलल में बोल सकता हूँ। तो यहाँ दिख भी रहा है कि भाई देखो इसे ए मैंने इससे भी ए लिखा है क्योंकि ए और ये सिंपली एक वायर से शॉर्टेड है,
तो इनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। अगर मैं इसे बोल रहा हूँ तो इसे भी ए बोल सकता हूँ, सिमिलरली इसे भी ए बोल सकता हूँ। ऐसे ही अगर मैंने इसे भी बोला है तो इसे भी बी बोल सकता हूँ। तो ठीक है, तो ये आर वन और आर टू पैरेलल में कनेक्टेड है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ आई वन एंड आई टू, मतलब यहाँ पे आपका करंट भी जरूर लगेगा। जैसा कि वहाँ क्या हो रहा था, जब मैं वी टू को फाइंड कर रहा था तो आर टू ही ऊपर था, बट यहाँ उल्टा होता है। अगर मैं आई वन को फाइंड करूँगा तो आर टू ऊपर रहेगा, नीचे सम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं आई टू को फाइंड करूँगा तो यहाँ आर वन रहेगा, मतलब आई टू तो आर वन और आई वन तो ऊपर आर टू, यहाँ तो मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट होगा ही, टोटल करंट जो भी इनपुट वोल्ट करंट सोर्स है। तो एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ लिया है कि 12 एम्पियर मैंने टोटल करंट लिया, यहाँ मैंने तीन एलिमेंट ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 ओम 4 ओम एंड 5 ओम। तो फाइंड करंट आई वन आई टू आई थ्री करूँगा। तो देखो, अगर मैं आई वन को फाइंड कर रहा हूँ तो भाई मैं दो रेजिस्टेंस ही मेरे दिमाग में होने चाहिए, एक तो मेरा 3 ओम हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन जो मैंने यहाँ लिखा भी है। तो ये एग्जैक्टली इस फिगर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मॉडिफाई करके, मॉडिफाई किया सॉल्व करके, 12 एम्पियर के अक्रॉस एक तो 3 ओम रेजिस्टेंस है और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है 4 एंड 5 है। तो ये दो ही रेजिस्टेंसेस हैं जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है। तो 4 और 5 के पैरेलल को अगर दिया है तो मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ कि इफ 4 पैरेलल 5 लिखा है तो मैं लिखूँगा 4 मल्टीप्लाइड विथ 5 डिवाइड बाई 4 प्लस 5। कोई भी दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है, मैं सिंपली अगर मैं ऐसा लिखाऊँगा आर वन पैरेलल विद आर टू, तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ आर वन मल्टीप्लाइड विद आर टू डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू। ये आपको पता भी होगा, नहीं तो ये याद रखो कि जब भी दो एलिमेंट्स हैं तो उनके पैरेलल में दो का उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाई उन दोनों का समेशन, ठीक है। तो यही मैंने किया है। तो सिमिलरली जो आई टू हम फाइंड करेंगे, तो आई टू मतलब आर फोर को मुझे हाईलाइटेड करना है, क्योंकि सॉरी आर फोर को नहीं, 4 ओम को मुझे हाईलाइट करना है क्योंकि मैं आई टू इसके ही अक्रॉस है। बचे दोनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में ले लेना है और उन्हीं को पहले रखना ऊपर, क्योंकि मुझे आर टू ऊपर रखता हूँ। जब मैं आर वन आर टू के बीच में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ तो पहले मैं ऊपर वो रखता हूँ जिसके अक्रॉस करंट नहीं फाइंड करना है, और जिसके अक्रॉस करंट फाइंड करना है उसके उसे ऊपर नहीं रखता हूँ। तो सिमिलरली यहाँ आई टू जो है तो पहले मैं ऊपर किसे रखूंगा 3 और 5 का पैरेलल, फिर नीचे समेशन तो रहेगा मल्टीप्लाइड विद टोटल करंट 12। सिमिलरली जब मैं आई थ्री फाइंड करूंगा तो ऊपर किसे रखूंगा 3 पैरेलल विद 4 को, और नीचे सब वही रहेगा, तो इन्हें मल्टीप्लाई 12 कर दूंगा। तो इस तरह से मैं तीनों करंट्स को फाइंड कर सकता हूँ। इस फिगर को दिमाग में रखना, ऐसे 3 एलिमेंट पैरेलल में हों, 4 5 जितने भी हों, तो पहले बचे हुए रेस्ट एलिमेंट्स का पैरेलल निकाल लेना और एक एलिमेंट्स को छोड़ना जो कि जिसके अक्रॉस करंट फाइंड करना हो। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको पता चल गया होगा कैसे हम VDR और CDR को यूज़ करते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे यूज़ होता रहेगा इस सब्जेक्ट में ना लेकर, ये आगे एनालॉग में बहुत यूज़ होगा, इंपॉर्टेंस है इसका। VDR का तो बहुत अच्छा खासा इंपॉर्टेंस है, फिल्टर वगैरह में दिखाऊंगा मैं आपको कितना इंपॉर्टेंस है इसका। तो फ्रेंड्स, आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, सो थैंक्स।